नमस्कार, मैं हूं अंजलि इसवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है, दर्द हो रहा है। दरअसल स्पॉन्डिलाइटिस कुछ होता ही नहीं, सही बीमारी है स्पॉन्डिलिसिस। इसीलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि आखिर स्पॉन्डिलोसिस है क्या और किस तरह से आप इससे निजात पा सकते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस एक बहुत लूजली यूज टर्म है और यूजुअली जिनको गर्दन में दर्द होती है, थोड़ी चक्कर आती है, थोड़ा पीछे हड्डी निकली होती है, उनको स्पॉन्डिलाइटिस कहना पसंद करते हैं। देर इज़ नो सच टर्म। अगर हम जाएं स्पॉन्डिलाइटिस का रियल मतलब में, तो वो होगा इन्फ्लेमेशन इन द नेक जॉइंट्स। पर जो कॉमनली यूज टर्म है मेडिकली, उसको हम स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। जैसे आपके बाकी जॉइंट्स जैसे उम्र बढ़ती है घिस जाते हैं और आर्थराइटिस हो जाती है उनमें, वैसे जो आपके जॉइंट्स गर्दन में होते हैं या कमर में होते हैं, वो भी जब घिस जाएं, फिर वो चाहे चोट लगने के बाद हो या कोई इन्फ्लेमेशन के बाद हो या सिर्फ एज की वजह से हो या आपके पॉस्चर की वजह से हो, जो जॉइंट्स घिस जाएँ उनको हम स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। सो गर्दन में अगर हो तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं और कमर के हिस्से में हो तो उसको लंबा स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। इन यंग पीपल टुडे इट इज़ मोर एविडेंट, क्योंकि उनका जो वर्किंग आवर्स है बहुत बहुत लंबा है। सो वेयर एंड टेयर ज़्यादा हो रहा है, रिपेयर कम हो रहा है, उसकी वजह से जोड़ घिस रहे हैं। और आइए एक अच्छी डाइट के लिए लेते हैं हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से कुछ टिप्स। आज हम बात करते हैं साइनसाइटिस की। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है कि आपको डिस्कम्फर्ट फील होनी शुरू होती है, कि आप ब्रीदिंग पैटर्न आपका थोड़ा सा हैम्पर हो जाता है, सर दर्द होता है। तो इसमें आप खाना क्या खा सकते हैं जो आपको फील गुड कराए? सूप्स बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि जब आप गर्म सूप पियेंगे थोड़ी सी भाप से ही आपकी नाक खुलती जाएगी, तो आपको ब्रीदिंग कैपेसिटी इंक्रीज होके फ्लो ऑफ ब्रेथ अच्छा होता जाएगा। दूसरा आइडिया ये है कि आप अदरक का प्रयोग करें। अदरक इतना अच्छा एक एंटीसेप्टिक रूट जिसे कहते हैं, उसको कद्दूकस करके उसका जूस निकाल के उसमें एक चम्मच शहद डाल के दिन में 3 टाइम लेना चाहिए, तो उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हो जाती है जो आपके साइनस को क्योर करना शुरू कर देती है। तीसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि आप ड्राई रोस्ट करके, अजवाइन सीड्स होते हैं तवे पे, उसको रोस्ट कर लीजिए, एक कपूर की चुटकी डाल दीजिए उसमें, और उसको आप मलमल के कपड़े में बांध के थोड़ी ये पोर्शन में आपकी सिकाई करनी शुरू कर दीजिए। तो ये जब पोर्शन क्लॉग्ड होता है आपका, ये खुलना शुरू हो जाता है। जब ये खुल जाता है तो आप ब्रीदिंग फिर आपकी ठीक होनी शुरू हो जाती है। गरम भाप लेना चाहिए। यूजुअली हम क्या करते हैं कि जब हम स्टीमिंग लेते हैं तो उसमें हम विक्स डाल देंगे या यूकेलिप्टस ऑयल डाल देते हैं, जिससे आपका नोज खुलता है। लेकिन एक चम्मच सरसों का तेल डाल के फिर आप स्टीम लो, ये चीज़ ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो ये चीज़ें करिए, गरम गरम खाना खाइए, घी डाल के खिचड़ी खाइए, इससे आपका साइनस ठीक होता शुरू हो जाएगा। और उसके बाद फॉलोअप में आप अपने इम्यूनिटी लेवल्स को इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए। योग की मदद से आप अपना मेटाबॉलिक रेट बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको वजन घटाने में मदद मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो आसन जिससे बढ़ेगा मेटाबॉलिक रेट। नमस्कार, आज जो मैं योगा पोस्चर आपको बताऊंगी, उस पोस्चर से आप अपने बॉडी ब्लॉक्स बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इस पोस्चर से आपको अपनी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट इंस्टेंटली आप उसको बढ़ा सकते हैं। बहुत सिंपल पोस्चर है, अब इसको हम देखेंगे कैसे करना है। आप सबसे पहले अपने बैक के ऊपर लेटेंगे स्ट्रेट पोजिशन में, और अपने आर्म्स जो हैं आप अलॉन्ग साइड ऑफ द बॉडी लेके आएंगे। यहाँ से आप सिर्फ अपनी बॉडी को, हिप्स और लेग्स को उठाएंगे और वापस नीचे लेके आएंगे। इसको आप रिपीट करते जाएंगे। हर बार बॉडी को जब नीचे लाएं, एक्सहेल करें, इनहेल करते हुए अपने हिप्स ऊपर करते हैं और एक्सहेल। अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो आप अपने नीज बेंड कर सकते हैं, उठाएं और वापस लेके आएं। आइडियली जितना आप अपनी लेग्स को सीधा रखेंगे और नीज को
इससे अलग तरीके से आपकी बॉडी टॉक्सिन्स रिलीज करेगी। और उसके बाद आप अपने राइट साइड की तरफ टर्न करते हुए ऊपर आके बैठ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसको भी अटेम्प्ट करें और हमसे शेयर करें 1 to 3 minutes एटलीस्ट, एंड आप देखिए आपको कैसा फील होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और आइए हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से जानते हैं कैसे सुखाएं अपने मुहासों को। नमस्कार। अगर आप लोगों में से हैं जिनको दाने हो जाते हैं, जिनमें पस हो जाती है और वो खूब दर्द करता हो, तो मैं आपको एक नुस्खा बताऊंगी, एक नेचुरल रेमेडी जो अगेन आपकी किचन में ही मिल जाएगी। लौंग, जो हर रसोई में इस्तेमाल होता है, उसको हम कूट लेंगे थोड़ा थोड़ा। मैं पहले भी कूटती हुई आई हूँ, ये आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा पाउडर पहले भी मेरे यूटेंसिल में है, और इसको खूब पीस के बारीक कर देना। ये ध्यान में रखें कि अगर आप एक भी थोड़ा सा अपनी ज़बान पे लगाएंगे तो एकदम जलन की फीलिंग महसूस होगी, और अगर आप दो लौंग अपनी त्वचा पे लगाएंगे और आप सोचेंगे कि सुपर्णा त्रिखा की रेसिपीज लगाई हैं तो जलन तो ज़रूर होगी लेकिन नुकसान कोई नहीं होगा, तो डरिएगा नहीं। लौंग जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। अगर पस है और बैक्टीरिया बिल्डअप है एपिडर्मल लेयर के अंदर, वो उभर के उसको बाहर लाएगी। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा सा कपूर। इसमें हम डालेंगे गुलाब जल और फिर हम इसको मिक्स करेंगे। स्मेल्स वंडरफुल, वेरी क्लीन, वेरी फ्रेश, वेरी प्योर एंड ऑल नेचुरल। और ये आपका एंटी पस पिंपल पैक तैयार। इसको आप छोटे से जार में भर के फ्रिज में रखिए। रोज़ रात को स्किन को साफ करने के बाद थोड़ा थोड़ा लेके जहाँ जहाँ आपका एक्ने है उसके ऊपर एक सील बना दीजिएगा, ताकि वो बिल्कुल एरिया जो है कॉर्डन ऑफ हो जाए, सील हो जाए, बाहर का बैक्टीरिया और हवा उस पर ना लगे। 3 या 4 दिन अगर भी आप जिट्स या पिम्पल्स के ऊपर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो अंदर की बैक्टीरिया पस वगैरह है वो सब कुछ बाहर निकल जाएगा, आपका स्किन टोन इवन आउट हो जाएगा। और अगर निशान रह गए हैं पिंपल्स के तो भी आप इसको लगा के रखें, आप देखेंगे कि आपका स्किन एकदम क्लियर, फेयर एंड स्मूथ। और आज हमारी फिटनेस एक्सपर्ट सिखा रही हैं गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ आसान से स्ट्रेचेस। आज के हमारे दो स्ट्रेचेस प्रेगनेंसी से रिलेटेड हैं। अगर आप अपने पहले या दूसरे ट्राइमेस्टर में हैं तो आप इन्हें सेफली कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। पहली एक्सरसाइज के लिए आप इस तरह से सुखासन में बैठ जाइए और अपने एल्बो को एक तरफ पे बेंड रखिए, दूसरे हाथ से ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच कीजिए। इस स्ट्रेच को होल्ड करके रखिए और नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। धीरे से वापस आइए और दूसरी ओर अपने एल्बो को रेस्ट कीजिए और स्ट्रेच कीजिए। इन दोनों स्ट्रेचेस को आप 8 to 10 times रिपीट कीजिए। दूसरे स्ट्रेच के लिए आप अपने एक लेग को बाहर की ओर लेके जाइए और दूसरी को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। अपने दोनों हाथों से आप इस लेग को स्ट्रेच कीजिए, धीरे से वापस आइए और दूसरी साइड पे रिपीट कीजिए। इन दोनों स्ट्रेचेस को आप सुबह और शाम रिपीट कीजिए और फ्लेक्सिबिलिटी पाइए। और अब हमारी मेकअप एक्सपर्ट आपको बता रही है कैसे अपने चेहरे के हिसाब से चुने अपने लिए मेकअप। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि फाउंडेशन कैसे सिलेक्ट करी जाए, क्या आपका भी यही सवाल है? फाउंडेशन सिलेक्ट करते जाते हैं तो आप भी क्या बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइट लें या डार्क लें?
तो आज आपकी इसी दुविधा को हम दूर करने वाले हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि इनके कॉम्प्लेक्शन के लिए हम किस तरह से फाउंडेशन को सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पर तीन फाउंडेशंस हैं। हम तीनों को अपने हैंड पे ले रहे हैं। और अब इसे इनके जॉ पे टेस्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला कलर लगाएं और उसे हल्का सा ब्लेंड करें। अब अपना दूसरा कलर टेस्ट करते हैं। अगेन लगाकर हल्का सा ब्लेंड किया। और अब हमारा फाइनल कलर, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमने कलर लास्ट में लगाया वो बहुत आसानी से इनके कॉम्प्लेक्शन के साथ ब्लेंड हो गया। बाकी के दो कलर्स थोड़े से सेटल नहीं हो रहे स्किन के अंदर, सिंक इन नहीं कर रहे, थोड़े से वाइट दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों कलर्स इनके कॉम्प्लेक्शन के लिए सही नहीं है, बल्कि जो कलर हमने लास्ट में लगाया था दैट इज़ द परफेक्ट चॉइस। अब हम ये फाउंडेशन इनके फेस पे अप्लाई करेंगे। अब हमने इनकी सिलेक्टेड फाउंडेशन को पूरे फेस पे अप्लाई कर दिया है। सो ये है हमारी फाइनल लुक। आई होप आपको ये टिप आसान लगी हो और अब आपके लिए फाउंडेशन चूज करना एक सिंपल टास्क हो। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर, चाहे तो ट्विटर पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #fitrahe। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।